भाजपा नेता प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी दो दिवसीय कटनी दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा बहोरीबंद, मुड़वारा और विजय राघवगढ़ में स्थानीय लोगों से जनसंपर्क किया। इसी दौरान हज कमेटी के अध्यक्ष ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर नवाब खान के घर पर एक मुस्लिम समाज की महिलाओं और बुजुर्गों की एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम समाज को वोट बैंक मानने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब सभी मुस्लिम समाज के मतदाताओं से अपील है कि भाजपा के मुख्य धारा में जुड़े और खजुराहो लोकसभा में अपने लिए विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। और मुझे लगता है कि जो जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे ने और भारतीय जनता पार्टी जिले की इकाई ने अल्पसंख्यक मोर्चे को जो टारगेट दिया था वो टारगेट लगभग पूरा होगा और हर मुस्लिम बहुल बूथ से भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतेगी और मुस्लिमों का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि जितने भी हारे हुए मुस्लिम बाउल बूथ थे उस पर प्रचंड जीत के साथ वीडी शर्मा जी दिल्ली पहुंचे। हमारे खजुराहो लोकसभा का जो चुनाव होना है वीडी शर्मा भाई साहब का, उसका कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष आए हुए थे यहाँ पे, जिसमें मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी को अपील की हुई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट। अल्पसंख्यक मोर्चा का जो प्रोग्राम हुआ, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी वोटर भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह आश्वस्त है और इस बार बढ़ चढ़कर वोट देने वाले हैं और भारी मतों से, मतलब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार हमारे खजुराहो लोग।